रविवार को देर रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने जिले के 4 क्षेत्राधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया है, जिसके तहत सहायक पुलिस अधीक्षक व सीओ कैंपियरगंज आईपीएस राहुल भाटी को सीओ कैंट का दायित्व सौंपा गया है। वहीं सीओ कैंट अजय कुमार सिंह को क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज बनाया गया तथा इसके अलावा कोतवाली सर्किल के सीओ बीपी सिंह को सीओ क्राइम तथा गौतम बुद्ध नगर जनपद से आए हुए विमल कुमार सिंह को सीओ कोतवाली का दायित्व सौंपा गया है तथा सीओ कैंट का कार्यभार ग्रहण करने के बाद एएसपी व सीओ कैंट आईपीएस राहुल भाटी ने बताया कि शासन के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका 100% अनुपालन करवाया जा रहा है तथा जो लोग अनावश्यक सड़कों पर निकल रहे हैं उनके वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग नियमों का उल्लंघन करके दुकान खोल रहे हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में क्राइम कंट्रोल करना ही मुख्य प्राथमिकता होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंट आईपीएस राहुल भाटी ने कहा, प्राथमिकता चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि लॉकडाउन को वर्ड्स सही प्रॉपर वर्ड्स में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वर्ड्स इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो भी लोग फालतू में घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं या बिना बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं बिना किसी काम के, जिनका कोई मेडिकल पेशेंट नहीं है या कोई दवाई के लिए नहीं जा रहे, वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे और फालतू में ही सड़कों पर टहल रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है, उनकी गाड़ी सीज की जा रही है और जो दुकानें लॉकडाउन का उल्लंघन करके खुल रही हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा प्राथमिकता, मेन प्राथमिकता जो है वो क्राइम पर रहेगी।